वैसे तो जी मेरा बहुत बारी सम्मान होया पर अज मैनू लग रहा कि जो मैं अज सम्मान मिल रहा है मेरे वास्ते बहुत ही वड्डा सम्मान है। इधर मेरे नाल हैगे ने जी सोनी जी फतेहगढ़ साहब तो, इधर राजपाल जी और इधर मैडम रीना जी, और मेरी बहुत ही खुशकिस्मती है कि ये फतेहगढ़ साहब तो चल के मेरे ढाबे ते आए ने और इन्होंने मैनू ये सरोपा पाया और सम्मान दिता है। मैं इन्हों देख के तहूँ सारे एक गल कहनी चाहना कि समाज सेवा करने वास्ते कोई जरूरी नहीं है कि थोड़े को पैसा धेला हो या तुसी शरीरिक तौर पर फिट होवो। समाज सेवा करने वास्ते चाहिए होंदा जी इंसान दे विच जज्बा। भाजी ये जो तुसी मैं सम्मान दिता है मेरे वास्ते बहुत वड्डा सम्मान है और मेरे ख्याल दे विच इस तो वड्डा सम्मान मैनू कदे मिल नहीं सकता। तुसी समाज वास्ते इन्ना कुछ कर रहे हो, हैंडीकैप लोगों वास्ते बहुत कुछ अपना तुसी कर रहे हो, तुसी अपनी जबानी जरा दसो लोगों नूं। सब तो पहला सारे नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। सो तुहाडे लई मैं दो लाइन इहो कहांगा कि जिसके ख्यालों में मेरा कोई अक्ष मिलता है, जिसके ख्यालों में मेरा कोई अक्ष मिलता है, बड़े नसीबों से ऐसा कोई शख्स मिलता है। सो क्योंकि साड़ी इन्नी औकात नहीं, असी इन्ने जोगे नहीं कि असी तुहाडे वर्गी एक बहुत ही सत्कार जो शख्सियत का सन्मान कर सकीए, क्योंकि असी चाहते हैं कि तुसीं इन्नियां ज़्यादा सभावां करदे हो और हर टाइम मैं तुहाडियां हर सारियां वीडियोज़ देखता रहना, तुहाडी सारी एक्टिविटी देखता रहना, और मेरा दिल किया कि तुसीं करोना संकट के दौरान बहुत सारिया सभावान निभाइया जो कि साडे देश नूं साडे समाज नूं जरूरत सी। सो उस तुहाडी सहयोग दे सदके, उन्हां सभावान दे सदके असी ये छोटा जिहा सम्मान तुहाडे वास्ते करना है जी। ए तुसीं इस तों इलावा होर समाज वास्ते की कर रहे हो अपने शहर फतेहगढ़ साहब दे विच? असीं फतेहगढ़ साहब दे विच ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब दे विच जिन्ने भी साडे सत्कारयोग दिव्यांग साथी हैगे आ, किसी व्हीलचेयर की जरूरत होंगी है, ट्राईसाइकल की, नकली अंगा का कैंप हो गया, ज किसी का ट्रीटमेंट होना, ज किसी की स्पैशली तौर पर असी कम जिहड़ा हैगा रीढ़ की हड्डी टुटन तो बाद जिहड़े साडे साथी अपाज हो जाते हैं घरां दे विच पए होए हैं उन्होंने लिए असी हैल्प करते हैं। उन्होंने लिए असी एक स्पैशली पिंड धुंदा दे विच खमाणो रोड पिंड धुंदा दे विच एक असी पंजाब स्पैनल केयर होम नाम का एक दिव्यांग सेंटर खोलिया जी, जिथे कि असी रीढ़ की हड्डी टुटन तो बाद जिहड़े साडे साथी घरां दे विच बड़ी बुरी हालत दे विच पए होए हैं और बिल्कुल उन्होंने घर के उन्होंने संभालन योग नहीं है, उन्होंने असी लिया के उस जगह पर लिया के रख रहे हैं ताकि असी पूरी जिंदगी लिए उन्होंने उत्थे संभाल सकी जी। सो एक मेरी हाथ जोड़ के बेनती है जी कि जिन्हें भी दानी सज्जन ने वो कृपा करके जी इन्हों की संस्था के नाल जोड़न और किसी की भी कोई रीढ़ की हड्डी टुटी हुई होवे या कोई अपाहिज जो कि अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता है वो इन्हों के नाल आके इन्हों आके मिलो तो ये उन्होंने सहायता वधिया तरीके करनी है।